ढेर लग्या होया इदां रुमालियां दा ते नाल इधर अग बल रही है। वह चुक चुक के ना रुमाले इदा अगड़ सुट्टे जा रहे, इदा अगड़ साड़े नवे रुमाले बिल्कुल इदा सुट्टे जा रहे, अगड़ साड़े जा रहे है। वह हाहाकार मची हुई है जी, वेखो किन्नी बेअदबी किन्नी बेअदबी। तो मैं परम कुछ वेख्या वीडियो तो मैं मन विचार रहा भी गुनाहगार कौन है। अक्सर सोचना पड़ेगा ना इहदा गुनाहगार कौन है इस चीज का, भी रुमाले अग च साड़े जा रहे। मान लो कोई होर साड़े इदा, उदा ही असं डांगा लैके इदा तुर पा सड़कों तो उतरेंगे असं भी हाए रुमाला साड़ता इदा। वो जो साड़ रहे वो सिख है, इदा वो चिट्टे कपड़े पाए हुए है, इदा कृपान पाई सिर के उत्ते दस्तार, वह साड़ रहा है इदा। हुण जे गुरु का सिख साड़ रहा तो फिर समझ लै क्यों साड़ रहा है भाई रुमाले, क्योंकि हो ही इन्ने चुके ने भी होर करिए कि उन्हों का की करे। साडे मन में यह है ना एक भी खंड पाठ कराया जी रुमाला साहब चढ़ाना, सहज पाठ कराया रुमाला साहब लेना, बच्चे के आनंद कार्ज ने जी रुमाला साहब लेके जाना जरूरी है, इदा दरबार साहब जाना रुमाला साहब चढ़ाना जी जरूर है। जिमें वह होंगे नहीं पीर दियां समाधां वाले, माफ करना इदा उन्हें ने जिहड़े पीरां दियां समाधां ते जांदे इदा वो चढ़ाउंदे आ चादर। असल ये उत्थों शुरू होया काम है बहुता, जिहड़ा हर एक सिख ने सिर्फ रुमाला ही लैके जाना, यह पीरां दियां मजारां ते चादरां चढ़ाउण तों शुरू होया। ये पहला इदा नहीं सी हुंदा वी हर एक सिख रुमाला ही लैके आ रहा, इदा वह चादर चढ़ाने लग पे असी रुमाले, हर एक चढ़ा रुमाले इदा। फिर वह रखन थां कोई नहीं होंगी, बारियां भरिया कमरे भरे गंढलियां इदा बन बन के तां रखिया चढ़ाइया, इदा रखन थां कोई नहीं की करिए फिर। हां साढ़े भी पे ने इदा, सब थावां ते एक थां नहीं है, यह सारे थावां दी है, कल्ले साडी नहीं। पर करिए कि इहदा सीधा अर्थ है भी असी किता की जावे भी भाई गुरु साहब ने किते भी नहीं ये गल लिखी हुई वीर माला चढ़ाना जरूरी है, कंपलसरी किते भी नहीं। यह गुरद्वारा साहब के ग्रंथी सिंह ने, तुसी मिलो उन्होंने, हाले का यह है दफ्तर च मिलो, पता करो भी असी जी इन्ने क पैसे लाने हैं, हजार लाना है, 2000 लाना है, पुछ लो भी इन्ने क लाने हैं, केड़ी चीज की लोड़ है असी वह भेट कर देंगे। यही है ना अकली कीजे दान, अकली कीजे दान का की अर्थ है भी अकल दे नाल दान की, अकल दान की होंगे भी पता करो पहला भी लोड़ है चीज की। असी सीख लईए ना इतिहास विचों, इतिहास की कहता है गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह तख्त पर बैठे, इतिहास तो ले लगे आप उदाहरण, गुरु पातशाह तख्त पर बैठा की कहा, पहले दिन यही उपदेश था भाई सिखो हुण जिहड़ा सिख गुरु दर दे उत्ते आवे शस्त्र ते घोड़े लैके आवे, यह कहा सी ना गुरु पातशाह ने कहा। हुण यह नहीं भी तुसी राशन ही लई आओ कल्ला, तुसी कल्ले पैसे लई आओ, पातशाह कहिंदे भाई हुण घोड़ियां दी लोड़ है घोड़े लैके आओ, हुण शस्त्रां दी लोड़ है शस्त्र लैके आओ, हुण गुरु दर दे उत्ते राशन ही ना भेट करी जाओ, अपनियां जवानियां भी भेट करो। तीन चीजां कहियां, क्यों पातशाह कहिंदे लोड़ है जवानियां भेट करन दी, लोड़ है घोड़ियां दी, हुण लोड़ है शस्त्रां दी, ये भेट करो। गल ते लोड़ मुताबक है ना, तो उहदा उह कदों समझ पएगी सानू जदों असी गुरु के शब्द को समझांगे भी गुरु ने तो किते भी नहीं ये गल कही। गुरु तो पातशाह कहिंदा तन मन अर्पो, जे देना है तू तन दे मैनू, मन दे मैनू तू अपना, इदां ही है ना। कह नानक ये शरीर प्रवान होवा, जे प्रवान करन दी है तू कहना भी कड़ा प्रसाद प्रवान कर लो पातशाह, मेरा नहाना मस्या पुन्या ते नहाउण जाना आ प्रवान कर लो, मेरी रस सीधा प्रवान कर लो,
पातशाह मेरा रुमाला साहब प्रवान कर लो। पातशाह कहिंदे कदे ये कहा मैनू ही प्रवान कर लो।